नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2023। नए साल के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रोजगार व मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने वालों को मिलेगी सहूलियत। बिहार के कई आईपीएस आईएएस का हुआ तबादला। 8वीं क्लास की सलोनी बनी एक दिन की जिला शिक्षा पदाधिकारी। आज से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। ऋषभ पंत को किया जा सकता है दिल्ली एयरलिफ्ट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RRCSER ने 1785 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 1785 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 50% मार्क्स के साथ मैट्रिक पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 3 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcser.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रोजगार व मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने वालों को मिलेगी सहूलियत। वैसे युवा जो रोजगार और मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, उन्हें सहूलियत मिल सके, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 3 माह पूर्व विभागीय समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है और अब तक 7 राज्यों में इसके लिए पत्राचार करने का काम पूरा किया जा चुका है। बता दें कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन 7 राज्यों में फरवरी से मजदूरों व युवाओं को सेंटर की सुविधा मिल जाएगी। इस सेंटर की सहायता से मजदूरों की समस्याओं को दूर किया जाएगा और साथ ही रोजगार दिलाने में भी मदद की जाएगी। इस सेंटर के तहत मजदूरों और युवाओं को सारी जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जैसे गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, रहने के लिए जगह जैसी सभी जरूरी चीजें। नए साल के मौके पर इन पर्यटन स्थल के दीदार पर है मनाही। अगर आप भी नए साल के मौके पर कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो उसे पहले यह जान लें कि इस बार कुछ पर्यटन क्षेत्र ऐसे हैं जहां नए साल के मौके पर लोगों को जाना मना है, या यूं कहें कि नए साल पर इन जगहों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस लिस्ट में बिहार के कश्मीर के रूप में विख्यात ककोलक जलप्रपात भी शामिल है। इस बार पर्यटक नए साल के मौके पर यहां पिकनिक का मजा नहीं उठा पाएंगे। दरअसल जलप्रपात तक पहुंचने वाली सीढ़ियां कई जगह से क्षतिग्रस्त है और यह आशंका है कि कभी भी पहाड़ टूट कर गिर सकते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए ककोलक जलप्रपात पर पर्यटकों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राजगीर में स्थित नेचर सफारी और जू सफारी को भी बंद कर दिया गया है। आज से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। आज से हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में आज से कई नियम बदल गए हैं जिसका असर सीधा हमारे जेब पर पड़ेगा। बता दें कि RBI की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2023 से बैंक अपने ग्राहकों के साथ मनमनी नहीं कर पाएंगे। बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार ने GST की ई इनवॉइसिंग के लिए अनिवार्य सीमा 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा। पैन कार्ड अगले साल मार्च के अंत तक आधार से लिंक नहीं होने पर उनका आधार निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें बदलाव किया गया है और यह बताया गया है कि अप्रैल की 1 तारीख से यह नियम लागू होगा। नए साल की शुरुआत में HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव करने की बात कह रहा है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवॉर्ड पॉइंट का भुगतान 31 दिसंबर 2022 से पहले ही कर लें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकता है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि CNG और घरों की रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले गैसों की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनंत कुमार के बारे में। अनंत कुमार का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। यह एक भारतीय शिक्षक और गणितज्ञ हैं, जिन्हें उनके सुपर 30 कार्यक्रम के लिए जाना जाता है जिसे उन्होंने 2002 में पटना बिहार में शुरू किया था और जो भारतीय संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा IIT JEE के लिए वंचित छात्रों को प्रशिक्षित करता है। 2018 तक 481 में से 422 छात्रों ने IIT में जगह बनाई और डिस्कवरी चैनल ने एक वृत्त चित्र में उनके काम को प्रदर्शित किया। अनंत कुमार ने
MIT और हार्वर्ड में भारतीय समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के लिए अपने कार्यक्रमों के बारे में बात की है। अनंत कुमार और उनका स्कूल कई सीनियर अभियानों का विषय रहे हैं, जिनमें से कुछ भारतीय मीडिया स्रोतों में किए गए हैं। उनके जीवन और काम को 2019 की फिल्म सुपर 30 में चित्रित किया गया है, जहाँ कुमार ऋतिक रोशन द्वारा निभाए गए हैं। बिहार की कई IPS IAS का हुआ तबादला। गृह विभाग के द्वारा आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार में बड़े पैमाने पर IPS का तबादला कर दिया गया है। हालांकि इस तबादले की सूची में पटना के SP मानवजीत सिंह ढिल्लो का नाम शामिल है, यानी कि मानवजीत सिंह ढिल्लो अभी अपने पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही साल के आखिरी दिन सरकार ने राज्य के कई IAS अधिकारियों का भी तबादला किया है। इस बात की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस तबादले में कई जिलों के DM भी शामिल है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, उसके मुताबिक लखीसराय के जिला पदाधिकारी के पद पर तैनात संजय कुमार को मुंगेर प्रमंडल का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनको सरकार ने प्रोन्नति दी है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। नए साल पर पर्यटकों के लिए तैयार VTR। नए साल के मौके पर VTR यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए कुछ खास पाबंदियों के साथ कुछ खास इंतजाम किया गया है। बता दें कि पर्यटकों के लिए किए गए इस इंतजाम में गेस्ट हाउस की साफ सफाई कर उसका रंग रोगन का काम किया गया है। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर जंगल कैंप में सेल्फी प्वाइंट बनाकर बाघ की एक मूर्ति स्थापित की गई है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक सेल्फी लेने का मजा भी अच्छे से उठा सके। हालांकि इस दौरान जंगल के भीतर पिकनिक मनाने की मनाही रहेगी और साथ ही पर्यटक अंदर न गाना बजा पाएंगे और न ही आग लगा पाएंगे। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटक जंगल सफारी, लक्ष्मण झूला, कैनोपी वॉक झूला समेत बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। CNG कार या इलेक्ट्रिक बाइक वाले को सरकार देगी बड़ी सहूलियत। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिनके पास CNG कार या इलेक्ट्रिक बाइक है, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल राज्य में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रीन बजट में बिहार मोटरयान करारोपण अधिनियम 1994 की धारा 5 की उपधारा 6 के तहत 12 साल से अधिक पुराने वाहन पर ग्रीन कर का प्रावधान किया गया है। इसके निबंधन में कुल कर का 10% ग्रीन टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। इसके साथ ही बिहार के बड़े शहरों में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को बंद करने की भी योजना बनाई जा सकती है। हाल ही में इंडियन ऑयल के द्वारा बिहार में गैस स्टेशनों को बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। बिहार में रात के साथ दिन में भी ठंड, शीतलहर का कहर। बिहार के मौसम में बदलाव आया है। कहीं कहीं घना कोहरा हट रहा तो कहीं आंशिक बादलों की आवाजाही से ठंड बढ़ी है। बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पाया गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार नए साल से राज्य में शीतलहर से हल्की राहत मिलने के आसार है। मौसम विज्ञानी की माने तो मध्य रात में प्रति चक्रवात के प्रभाव से अगले 2 दिनों के अंदर राज्य भर में तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि संभावना है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पूर्वी हवा व दक्षिण क्षेत्र में पछुआ का प्रवाह हो रहा है। दो तरफा हवा के मिश्रण के कारण प्रदेश में 2 दिनों तक घना कोहरा का असर रह सकता है। वहीं तापमान में वृद्धि होने से कनकनी में राहत मिलेगी। 8वीं क्लास की सलोनी बनी एक दिन की जिला शिक्षा पदाधिकारी। वायरल गर्ल सलोनी, जो कि बिहार के रोहतास जिले के रहने वाली है, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। दरअसल सलोनी ने नशा के खिलाफ भोजपुरी गीत गाया था। इसके लिए सासाराम जिला मुख्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्वयं अपनी ऑफिस में सलोनी को बुलाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया और एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाकर सम्मानित किया। वहीं सलोनी ने बताया कि वह नशा को लेकर लगातार गीत गाती है और इस चीज के लिए विद्यालयों के शिक्षकों का काफी योगदान होता है। आप सभी नशे से दूर रहें और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। बिहार के 33 पुलिस ऑफिसर्स होंगे सम्मानित। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के लिए बिहार के 33 पुलिस अफसरों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें SSP जयकांत, इंस्पेक्टर मोहम्मद सजाउद्दीन को पुलिस आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो, मुंगेर SP जग्गूनाथ रेड्डी जला रेड्डी, वैशाली SP मनीष कुमार, गया सिटी SP राकेश कुमार और तत्कालीन इमामगंज DSP अजीत कुमार को उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के लिए पदक मिला है। इसके अलावा बिहार पुलिस के कई अधिकारियों को IPS के पद पर प्रोन्नति दी गई है। इन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, उनमें मोहम्मद क्वासिम, मैस कुमार, अमृतेंद्र शेखर ठाकुर और ललित मोहन शर्मा के नाम शामिल हैं।
वाणिज्य कर विभाग के रडार पर बिहार के रियल एस्टेट के कारोबारी वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजस्व संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के लिए और कर चोरी के हर रास्ते को रोकने के लिए वाणिज्य कर विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत अब वाणिज्य कर विभाग के रडार पर बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारी है। बता दें कि विभाग वैसे रियल एस्टेट कारोबारी की खोज कर रहा है जिन्होंने फ्लैट्स की बिक्री और उसकी रजिस्ट्री खरीदार को कर दी है, लेकिन रिटर्न में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जिस वजह से कर भी जमा नहीं हो पाया है। ऐसे कारोबारियों को पकड़ने के लिए विभाग के द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है और साथ ही इसके लिए विभाग के द्वारा निबंधन कार्यालय से आंकड़ा भी मांगा गया है। इसी के आधार पर चिन्हित कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि शिक्षकों के वेतन को कब से बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल कुछ शिक्षक वेतन को लेकर नाराज चल रहे हैं, ऐसे में मैं उनसे अपील करता हूं कि सभी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें। सरकार के द्वारा सभी शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। दरअसल बीते दिन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 7,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है, जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के जांच में आई तेजी। राज्य में कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए जांच में तेजी ला दी गई है। इसी कड़ी में अब पटना एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की कोरोना जांच को बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर वैसे यात्रियों को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है जो विदेश से आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जांच कर रही स्वास्थ्य कर्मी ज्योति कुमारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते दिन CISF के सहयोग से ज्यादा लोगों ने जांच करवाया है। वहीं जांच प्रक्रिया में यात्रियों के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी समय समय पर यात्रियों को जांच करवाने के लिए अनाउंस करवाते रहती है, जिसका असर यात्रियों के बीच देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जांच करने में स्वास्थ्य कर्मी की मदद एयरपोर्ट अथॉरिटी और CISF के जवान के द्वारा भी की जा रही है, जिस वजह से ज्यादा लोग जांच करवा रहे हैं। बेटियों की प्रतिभा देख कभी खेत को बनाया था खेल मैदान, आज बेटियां राष्ट्रीय स्तर तक। खबर बिहार के सिवान जिले की है, जहां के एक शिक्षक संजय पाठक ने अपने 3 एकड़ खेत को खेल के मैदान में परिवर्तित कर दिया। दरअसल शिक्षक संजय पाठक ने कई छात्राओं में खेल के प्रति जुनून और प्रतिभा देखी, इसलिए उन्होंने शिक्षा विभाग के माध्यम से खेल के मैदान के लिए सरकार से बार बार आग्रह किया। आग्रह पूरी नहीं होने पर उन्होंने अपने ही खेत को खेल के मैदान में परिवर्तित कर दिया। कभी सिवान जिले में मैरवा प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में इस जमीन पर फसल दिखती थी, वहीं आज यह हैंडबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल सिखाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहां प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक भी नाम अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। 48 वर्षों के बाद खुला शिक्षा लिपिकों की पदोन्नति का रास्ता। राज्य सरकार के द्वारा 48 सालों बाद शिक्षा लिपिकों की पदोन्नति का लेकर हरी झंडी दिखाते हुए रास्ता साफ कर दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लिपिकों को कम से कम 3 पदोन्नति देने का फैसला किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी लिपिक क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ साथ जिला स्कूल में नियुक्त हैं। हैरत की बात यह है कि इन लिपिक की केवल नियुक्ति होती थी लेकिन पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए पहल की शुरुआत की गई और कैबिनेट के द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांग पर मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद अब लिपिक पदोन्नति करते हुए कार्यालय अधीक्षक के पद तक जा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने पेश किया गया रेलवे स्टेशन का डिजाइन। बहुत जल्द ही गया रेलवे स्टेशन अपने नए अवतार में दिखने वाला है। इसके लिए रेलवे की ओर से प्रस्तावित डिजाइन तैयार कर पेश कर दिया गया है। इस बात की जानकारी रेल मंत्रालय के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गया स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। गया रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन पर एक नजर विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान के रूप में पुनर्विकसित किया जाना है। इस डेवलपमेंट के होने के बाद गया रेलवे स्टेशन भव्य नजर आएगा। आपकी जानकारी बता दें कि गया जंक्शन पर रेल यात्रियों के लिए आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर व लिफ्ट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही खान पान, इंटरनेट जैसी सभी चीजें मुहैया कराई जाएंगी और स्टेशन के आसपास पर्यटक सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। बिहार के पर्यटन स्थल में हम बात करेंगे मुंगेर फोर्ट के बारे में। मुंगेर दुर्ग बिहार के मुंगेर में स्थित एक दुर्ग है जो गंगा के दक्षिणी किनारे पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस किला में 4 दीवार है। इसमें उत्तरी द्वार को लाल दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह विशाल दरवाजा नक्काशीदार पत्थरों से हिंदू बौद्ध शैली में बना हुआ है। किले में स्थित गुप्त सुरंग पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन काल में मुंगेर किला का निर्माण मगध सम्राट जरासंध ने करवाया, जिसका वर्णन महाभारत में भी है।
उसके बाद इस किले पर कई शासक ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। चंद्रगुप्त ने मुंगेर की स्थापना की और इसकी राजधानी चंपा नगर थी। बाद में बाहरी मुस्लिम आक्रमण मुगल ने इस किले पर अपना अधिकार स्थापित किया और किले को अपना नाम दिया। छपरा शराब कांड पर मांझी की मांग पर बोले नीतीश कुमार। छपरा शराब कांड पर सरकार की फजीहत उड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के मांगे गए मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी को आने दीजिए, उन्हें हम बताते हैं शराब पीने से नुकसान ही होगा, चाहे कोई थोड़ा पिए या ज्यादा, लेकिन अगर मांझी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, मैं उनसे पूछूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि शायद जीतनराम मांझी को इस बात की जानकारी नहीं है कि शराब पीने से नुकसान होता है, मैं उन्हें यह भी बता दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छपरा शराब कांड पर गंभीरता से जांच की जा रही है। मैंने यह भी कहा है कि इस मामले पर निर्दोष को नहीं पकड़ना है बल्कि जो गलत है उनके खिलाफ एक्शन लेना है। यहां ज्यादा लोग शराबबंदी के पक्ष में है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग गलत काम करते हैं। सुशील मोदी ने दिया बयान, विपक्षी एकता संभव नहीं। देश में विपक्षी दलों की एकता को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वहीं मायावती और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उनके यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। राहुल गांधी की यात्रा अलग चल रही है और बिहार में नीतीश कुमार अलग से बिहार यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में विपक्षी एकता का क्या मायने है। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 7 दलों का महागठबंधन बनाया गया है, जहां चुनाव के परिणाम क्या रहे वो सबने देखा है। केवल मोकामा में ही महागठबंधन की जीत हुई, वह भी जीत अनंत सिंह की जीत थी। इसके अलावा 2 सीटों पर चुनाव हुआ, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि विपक्षी क्या होता है और उससे भाजपा को कितना फर्क पड़ता है, या बिहार में हुए उपचुनाव ने सब बता दिया है और 2 सीट पर जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। सीएम नीतीश की चाहत, लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष का चेहरा हो राहुल गांधी। बीते दिन शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के द्वारा दिए गए बयान की वर्ष 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि सभी विपक्षी एक साथ मिलजुल कर चले और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आए। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी चेहरा के रूप में राहुल गांधी का चेहरा होता है तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हमने हमेशा इससे इनकार किया है और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो हमने इसके लिए कभी इनकार नहीं किया। ऋषभ पंत को किया जा सकता है दिल्ली एयरलिफ्ट। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर चोटिल भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को चिकित्सीय सलाह पर जरूरत पड़ी तो उनका संगठन पंत को देहरादून से नई दिल्ली उनकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट करेगा। उन्होंने कहा कि हम मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के लगातार संपर्क में है। बता दें कि घायल क्रिकेटर को देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में रेफर किए जाने पर डॉक्टर रावत ने मैक्स अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पंत के उपचार में डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है और खतरे से बाहर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत अभियान शुरू किया। भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू किया गया। देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में हुई। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए 1915 में वायसराय ने केसर ए हिंद से सम्मानित किया। बिहार की राजधानी पटना के पास 1948 में स्टीमर नारायणी दुर्घटनाग्रस्त होने से 500 लोग डूबे। टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण 1971 में प्रतिबंधित किया गया। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। भारत और पाकिस्तान ने 1992 में पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की। विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया। कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर 2001 में कोलकाता हुआ था। 1914 में भारतीय राजकुमारी नूर इनायत खान का जन्म हुआ। 1951 में बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म हुआ। 1975 में हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का जन्म हुआ। 1978 में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस एक सीजनल वायरस है जिसमें शारीरिक दूरी और आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे फर्जी है। कोविड-19 एक संक्रामक रोग है, सुरक्षित रहने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते रहें।
व्हाट्सएप पर इस नए तरीके से भेजें नए साल की बधाई। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है, ऐसे में व्हाट्सएप के जरिए सभी लोग एक दूसरे को बधाई भेजेंगे। लेकिन अगर आप भी नए और आकर्षित ढंग से नए साल की बधाई देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। फिर यहाँ सर्च बार पर हैप्पी न्यू ईयर स्टिकर पैक टाइप करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपको कई विकल्प दिखेंगे, जिनमें से आपने किसी एक को पैक डाउनलोड होने के बाद इसे खोले। यहाँ आपको ढेर सारे अलग अलग आकर्षित स्टिकर मिलेंगे, जिन्हें अपनी पसंद के अनुसार चुने। इसके बाद आपने चुने गए स्टिकर को व्हाट्सएप में जोड़ने के लिए प्लस विकल्प पर टैप करना है, जिसके बाद यहाँ वहाँ जुड़ जाएगा। अब आपका काम पूरा हुआ, अपना व्हाट्सएप खोले और उस कॉन्टेक्ट को चुने जिसे आपने नए साल की शुभकामनाएं भेजनी है। फोन के कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पर बने इमोजी आइकन पर टैप करें और फिर स्टिकर पर क्लिक कर उसे भेज दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, आशीष कुमार, नुनु गोलू कुमार, अतीक खान, ज्योति कुमारी, रविंद्र पासवान, रविशंकर, राम नरेश कुमार, अनवर करीम खान, सुरेंद्र कुमार बेश्रा, अंजना मिश्रा, रमाकांत कुमार, प्रहलाद कुमार, मुटू रंगीला, राम दरेश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज आप नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।